अध्याय 26 करार में इसहाक। देश में अकाल पड़ा, यह वह नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय में पड़ा था। तब इसहाक गरार देश में फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रवासी की तरह उस देश में कुछ समय तक रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये सब देश दे दूंगा और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं ये सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निषेध आदि सब का पूरी तरह पालन किया। इसलिए इसहाक गरार देश में रह गया। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते तो वह कहता, वह मेरी बहन है। वह यह कहने में डरता था कि वह मेरी पत्नी है। उसे भय था कि उस स्थान के लोग रिबेका के लोभ में कहीं उसे मार न डाले, क्योंकि वह रूपवती थी। जब वह वहां बहुत समय तक रह चुका, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर देखा कि इसहाक अपनी पत्नी का चुम्बन कर रहा है। इस पर अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, अवश्य ही वह तुम्हारी पत्नी है, तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसहाक ने उसे उत्तर दिया, मैं सोचता था कि कहीं उसके कारण मेरा वध न किया जाए। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यदि हम लोगों में से किसी का तुम्हारी पत्नी के साथ संसर्ग हुआ होता तो तुमने हमारे सिर एक बड़ा दोष मढ़ा होता। इसलिए अबीमेलेक ने यह कहते हुए अपने सब लोगों को चेतावनी दी कि जो कोई इस पुरुष या इसकी पत्नी का स्पर्श करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुनी फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। अधिकाधिक लाभ उठाते हुए वह बड़ा धनी बन गया। उसके यहां भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर हो गए। इसलिए फिलिस्ती लोग उससे जलने लगे। कुओं के विषय में झगड़े। फिलिस्तियों ने उन सब कुओं को मिट्टी भरकर बंद कर दिया था जो उसके पिता इब्राहिम के समय उसके पिता के नौकरों द्वारा खोदे गए थे। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसलिए इसहाक वहां से चला गया और गरार के मैदान में अपने तंबू डालकर रहने लगा। इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोला जो उसके पिता इब्राहिम के समय बनाए गए थे और जिन्हें इब्राहिम की मृत्यु के बाद फिलिस्तियों ने बंद कर दिया था। उसने उन्हें फिर वही नाम दिए जो उसके पिता ने रखे थे। इसहाक के नौकरों ने घाटी में खोदा और उन्हें उसमें बहते पानी का स्रोत मिला। तब गरार के चरवाहे इसहाक के चरवाहों से यह कहते हुए लड़ने लगे, ये पानी हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक झगड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने वहां उसके साथ झगड़ा किया। तब उन्होंने एक दूसरा कुआं खोदा और उसके बारे में भी झगड़ा हुआ, इसलिए उसने उसका नाम सितना विरोध रखा। वहां से आगे चलकर उसने एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत
विस्तार रखा और कहा, प्रभु ने हमारे विस्तार के लिए हमें भूमि प्रदान की है, अब हम देश भर में बढ़ते जाएंगे। वहां से वह बैरशेबा गया। उसी रात प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा और अपने सेवक इब्राहिम के कारण मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। उसने वहीं एक वेदी बनाई, प्रभु से प्रार्थना की और वहीं उसने अपना तंबू डाल लिया। इसहाक के नौकरों ने वहां एक कुआं खोदा। अबीमेलेक के साथ संधि। इसके बाद अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल के साथ गरार से उसके पास आया। इसहाक ने उनसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए? आप लोग तो मेरा विरोध करते हैं और आपने मुझे अपने यहां से निकाल दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तभी हमने सोचा कि हमारे तुम्हारे बीच शपथ पूर्वक एक संधि होनी चाहिए, इसीलिए हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। तुम हमें कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हमने भी तुम्हारी कोई हानि नहीं की, बल्कि तुमको शांतिपूर्वक विदा किया था। अब तो तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त है। इसहाक ने उन्हें एक भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांतिपूर्वक उसके वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के नौकरों ने आकर उस कुएं के विषय में, जिसे वे खोद रहे थे, यह खबर दी कि हमको पानी मिल गया है। उसने उसे शेबा नाम दिया, इसलिए आज तक उस नगर का नाम बैरशेबा है। एसाव की हित्ती पत्नियां। जब एसाव 40 वर्ष का था तो उसने हित्ती बैरी की युदित नामक पुत्री के साथ और हित्ती एलोन की पुत्री बासमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रिबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना।